हसन मुस्तफा की गुफ्तगू जानते हैं क्या है? जब कमसनी का आलम था, जब मस्जिद में जिब्राइल अमी वही लेकर नाजिल होते थे, रसूल उस वही को दुनिया वालों को सुनाते थे, आयतों की तफसीर होती थी, इल्म का एक दरिया बहता था, समंदर बहता था, सारी मस्जिद नबी इस्तेफादा करती थी, मौला हसन मुस्तफा उस कमसनी के आलम में वापस लौटते थे और घर में आके पूरी तवज्जो रहे मेरी तरफ, अपनी वालिदा माजिदा को बताते थे कि अम्मा जान आज मस्जिद में नाना ने ये बयान किया, कमसनी के आलम में बता रहे कि आज फला आयत की ये तफसीर हुई, आज फला आयत के बारे में जिब्राइल अमी ने ये कहा, आज फला आयत के बारे में नाना ने ये कहा, आज फला आयत के बारे में फला सहाबी ने ये सवाल किया तो नाना ने ये तफसीर की। पूरी तवज्जो हसन मुज्तबा डेली का दर्स, रोजाना का दर्स आकर सुनाते हैं, रोजाना की तफसीर आकर सुनाते हैं, रोजाना की नाजिल शुदा आयत आकर सुनाते हैं अपनी वालिदा माजिदा को। अमीर कायनात ने एक दिन ऐसे ही आयत कोई बयान की तो बीबी ने कहा ऐसा आयत की ये तफसीर है, ये शान नुज़ूल है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। किसने बताया? हसन ने बताया। बड़ी तवज्जो, कहा हसन का इतना अच्छा बयान है? कहा कि हाँ, कहा मैं भी सुनूंगा। अमीर कायनात आके पर्दे के पीछे छुप गए। पूरी तवज्जो हसन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से वारिद हुए। बीबी ने कहा कि हसन बेटे बयान करो आज मस्जिद में क्या हुआ था। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ये है अली बाप हसन का। अब हसन मुस्तफा बयान कर रहे हैं लेकिन जबान थोड़ी अटक रही है। पूरी तवज्जो, ये है इमामत, ये है इस्मत, ये है खूने रसूल, ये है जिगर गोशे बतूल। अल्लाह अकबर। हसन मुस्तफा की जब जबान अटकी तो कहा कि या उम्मा कल्ला बयानी व कल्ला निशानी लाल सैदन या रहानी। अम्मा जान आज बयान थोड़ा हो चुका है, जबान थक रही है, लग रहा है कि कोई बड़ा देख रहा है। अल्लाह अकबर। बस ये जुमले कहे इमाम सलामुल्लाह अलैह पर्दे से बाहर आ गए, अपने बेटे को सीने से लगाया। किसका बयान है? हसन मुस्तफा का बयान। किसका बयान? तो इमामुल बयान का बेटा है। किसका बयान है? अल्लाह अकबर। जो रोजाना का दर्शा के अपनी वालिदा माजिदा को सुनाए, ऐसी हस्ती का बयान। पूरी तवज्जो, जिसे सारी जिंदगी बयान दिया है,